नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल आकाश पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है वोल्टेज रेगुलेशन, एंड उसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन की यूजिंग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों फ्लक्चुएशन होता है आउटपुट वोल्टेज में, ऑल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है। कब? जब लोड ऑल्टरनेटर पे लोड वेरी करे फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। जब ऑल्टरनेटर पे लोड वेरी करे फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तब जो फ्लक्चुएशन होता है आउटपुट वोल्टेज में, ऑल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज में, उस फ्लक्चुएशन को हम क्या नाम देते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। तो यही है वोल्टेज रेगुलेशन। इसकी डेफिनेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट्स द फ्लक्चुएशन इन आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर एज द लोड ऑन द ऑल्टरनेटर इज वेरीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो चलिए दोस्तों आगे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेट किसको, इसको वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम ये जानेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ZS निकालना पड़ेगा। ZS क्या है? सिंक्रोनस इंपीडेंस है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट ZS, सिंक्रोनस इंपीडेंस। तो ZS को कैसे निकालेंगे, तो चलिए दोस्तों जानते हैं ZS को कैसे निकालेंगे। फ्रॉम OCC एंड SCC ZS कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी लोड कंडीशन इन फॉलोइंग वे। ZS क्या है पहले ये जान लेते हैं। ZS है दोस्तों, यह एक रेशियो है उस फील्ड करंट पर, एक रेशियो जो कि देता है, जो फील्ड करंट देता है उस फील्ड करंट पर, एक रेशियो जो देता है रेटेड ईएमएफ पर फेज, जो फील्ड करंट देता है रेटेड ईएमएफ पर फेज उस फील्ड करंट पर, एक रेशियो जो कि है ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर करंट। ठीक, तो सिंपली मैं बताऊं ZS क्या है, तो यह एक रेशियो है ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज अपॉन शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। ठीक, अभी आप देख सकते हैं इसमें ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रखी है और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रखी है। ठीक, तो इस फिगर की मदद से हम ZS निकाल सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें फील्ड करंट IF को, OA को हम मान लेते हैं विद रेस्पेक्ट, हम कैलकुलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू OA फील्ड करंट। ठीक, फील्ड करंट मान लेते हैं OA मान लेते हैं। OA के रेस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो OA की रेस्पेक्ट में ओपन सर्किट वोल्टेज आप देख सकते हैं इस फिगर में कितनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू OA फील्ड करंट कितनी है, AB है। ठीक, और शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है विद रेस्पेक्ट टू OA फील्ड करंट कितनी है, AC है। तो ZS इज इक्वल टू क्या होता है, ZS इज इक्वल टू होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, AB, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। AB अपॉन AC, देखिए ये मैंने लिख रखा है AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक, तो इसके जरिए हम क्या निकाल देंगे, ZS निकाल देंगे इस तरीके से। फिर ZS को निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज निकालेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक, जो कि मेजर किया जा सकता है, काफी मेथड्स हैं उसके लिए। एक मेथड ऐसा है जिसमें DC नोन वोल्टेज को टू टर्मिनल्स के अक्रॉस लगा देते हैं। DC नोन वोल्टेज को टू टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लगा देते हैं, इसके जरिए हम आर्मेचर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ में मीजरिंग करंट भी आ जाएगा। साथ ही साथ में क्या कर लेंगे, हम मीजर कर लेंगे करंट को, करंट आईए को। ठीक, क्योंकि ये सब हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिसमें ये जरूरत पड़ेगी, ZS भी जरूरत पड़ेगा, RA भी जरूरत पड़ेगा, IA भी जरूरत पड़ेगा। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा किस लिए हम ये IA RA ZS निकाल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ZS निकाला, सिंक्रोनस इंपीडेंस। फिर क्या निकाला, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज निकाला, यानी कि RA निकाला।
आर ए निकाला, फिर उसके बाद क्या निकाला, आर ए के साथ साथ हमने आई ए भी निकाल लिया, ठीक, जो कि करेंट आई ए है, ठीक। तो इस तरीके से हमें जेड एस भी मिल गया, आर ए भी मिल गया, आई ए भी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालेंगे। सिंक्रोनस रिएक्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जेड एस का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्सेस स्क्वायर, ठीक। तो इसके जरिए हम एक्सेस को निकाल सकते हैं, अंडर रूट जेड एस स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, ठीक। तो एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेस हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज निकालेंगे हम बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हम जो निकाल लेते जेड एस निकाल लेते, आर ए निकाल लेते, आई ए निकाल लेते, ईपीएस एक्सेस निकाल लेते। तो ये किसके लिए निकाल लेते, इस एक्सप्रेशन के लिए, इस नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज को हम प्राप्त करने के लिए निकाल लेते हैं, इसको निकालने के लिए, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज को निकालने के लिए हम ये चार चीजें हमने निकाली। एक तो सिंक्रोनस इंपेडेंस निकाला, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज निकाला, करंट निकाला, सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकाला। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, ईपीएच में नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज में पुट कर देंगे वैल्यूज, जो कि उसका फॉर्मूला है अंडर रूट स्क्वायर ऑफ वीपीएच कॉस फाई प्लस आई ए आर ए प्लस स्क्वायर ऑफ वीपीएच साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्सिस, ठीक। इधर वीपीएच क्या है, वीपीएच एक फेज वैल्यू है रेटेड वोल्टेज की, ठीक। वीपीएच क्या है, रेटेड वोल्टेज की फेज वैल्यू। आई ए क्या है, फेज वैल्यू ऑफ करंट की फेज वैल्यू है आई ए, डिपेंडिंग, जो कि डिपेंड करती है लोड कंडीशन पर, ठीक। और कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर ऑफ लोड, लोड का पावर फैक्टर है cos y। अब इस एक्सप्रेशन में, नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन में हम आईए एक्सेस विल बी पॉजिटिव व्हेन लैगिंग पावर फैक्टर, और व्हाइल आईए एक्सेस विल बी नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, ईपीएच के एक्सप्रेशन में, यानी कि नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन में, नो लोड इंड्यूस ईएमएफ पर फेज के एक्सप्रेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव सेकंड पार्ट में मैंने ब्रैकेट में जो स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट ब्रैकेट दे रखा है उसके पार्ट में हमने प्लस माइनस दे कर दिया है, प्लस माइनस लिख रखा है, यानी कि पॉजिटिव आईए एक्सेस और नेगेटिव आईए एक्सेस लिख रखा है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और नेगेटिव कब होगा, तब लीडिंग पावर फैक्टर होगा जब। तो इस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेशन को फिर निकालेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन का लास्ट में फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज, ठीक, इनटू 100। तो ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब नो लोड वोल्टेज क्या है हमारा, यहाँ पर ईपीएच है, और फुल लोड वोल्टेज क्या है, यहाँ पर पीएच है, और रेटेड वोल्टेज यूजली क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज ही होता है। तो फुल लोड वोल्टेज हमारे यहाँ पर क्या है, फुल लोड वोल्टेज हमारे यहाँ पर क्या है, वीपीएच है इनटू 100। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का, तो ईपीएच हमने निकाल चुके हैं, वीपीएच भी हमें पता है, अपॉन फुल लोड वोल्टेज हमें पता है, नो लोड वोल्टेज हमें पता है। तो इसके जरिए हम क्या निकाल लेंगे, वो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे इन परसेंटेजेस, ठीक। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।